पीटीआई के साथ सियासी पींगे, मौलाना ने बड़ा कदम उठा लिया, हुकूमत को बड़ा धचका। पीटीआई के क्याम से अहम खबर सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जेयूआईएफए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान मुल्क बिलखसूस केपी में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। जेयूआईएफए सरबराह और पीटीआई रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, सूबे में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन और आईएमएफ बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया और दोनों जमातों ने कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर भी इत्तेफाक कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क्याम के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इक्तिसादी राहदारी कायम की जाए। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया गया। दोनों जमातों के दरमियान तहफ्फुज़ात दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात तय करेगी।